आर्थिक विकास दर यानी देश की जीडीपी जिसमें लगातार हो रही गिरावट आम आदमी पर भारी पड़ती जा रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में देश की जीडीपी घटकर 5% रह गई है, जो 6.5 सालों का सबसे निचला स्तर है, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव लोगों की आमदनी से लेकर रोजगार पर पड़ता है। सामाजिक असमानताओं वाले हमारे देश में जीडीपी का इस तरह गिरना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ये संकेत देश में रोजगार के कम होते अवसरों की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए जानते हैं पिछले एक साल में कितनी गिरी देश की जीडीपी और कौन से सेक्टर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। अप्रैल जून 2018 में 8% थी देश की जीडीपी। एक साल में 3% की जीडीपी में गिरावट आई। अप्रैल जून 2019 में 5% रह गई देश की जीडीपी। जीडीपी की दर गिरने से 6 में से 5 सेक्टर गिरे जिन पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12.1% से घटकर 0.6% पर आ गया। कृषि क्षेत्र 5.1% से घटकर 2% रह गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 9.6% से गिरकर 5.7% पर आ गया है। रियल एस्टेट में भी गिरावट आई है। रियल एस्टेट 6.5% से गिरकर 5.9% रह गया है। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर 7.8% से घटकर 7.1% पर आ गया। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने पिछले कई हफ्तों में स्पष्ट कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उनका कार्यालय, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय सब एक साथ काम कर। जानकारों की माने तो नोटबंदी और जीएसटी जीडीपी ग्रोथ में कमी आने का अहम कारण है। इधर देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर उन्हें 4 बैंकों में समेट दिया गया है। ये तमाम स्थितियां इशारा कर रही हैं इस बात का, इस तरह से बातें की जा रही थी कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन हकीकत यह है कि देश के मौजूदा हालात अमीरों को कम, गरीबों पर हर लिहाज से भारी पड़ रहे हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जीडीपी यानी देश की आर्थिक विकास दर, जिसका उतार चढ़ाव हर खासो आम की माली हालत बताता है। पिछले 6.5 सालों में देश की जीडीपी सबसे निचले स्तर 5% पर पहुंच गई है। बीते एक साल में 3% की गिरावट दर्ज की गई, जिसका सबसे नकारात्मक प्रभाव देश की गरीब जनता, छोटे मझोले व्यापार पर पड़ा है। कृषि पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। सवाल यही है, एक तरफ पूरी दुनिया में देश के नेतृत्व का डंका बज रहा है, इसका दावा होता है, वहीं दूसरी तरफ गिरती जीडीपी बताती है देश का गरीब और ज़्यादा गरीब हो चला। क्या ये विकास है? क्या ये कैसी उन्नति है? ताज़े आंकड़े को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है, जनता सन्नाटे में है। क्या ये हालात एक नई उछाल की तैयारी है या तकलीफ भरे दिन का आगाज? यही हमारा आज का विशेष हाय जीडीपी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय शाह, जो कांग्रेस के नेता हैं, यश भारती, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति विश्लेषक। हमारे साथ राजेश सिरोठिया जी भी हैं, और साथ ही कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अर्थशास्त्री भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय शाह, कैसे देखते हैं आप इसे? तुमने कहा था मोदी जी, अच्छे दिन हम लाएंगे, बढ़गई बलात्कार, महंगाई और बेरोजगारी, और कितने जनता के कर्म फुड़वाओगे? अरे महिंद्रा एंड महिंद्रा का लाभ 53% कम हो गया, टाटा स्टील 64% कम हो गया,
अब तो जरूर अब कहना पड़ेगा मोदी है तो ही मुमकिन है। 8-8 करोड़ कोर सेक्टर, वो वृद्धि की दर 0.20%, जिसमें सीमेंट, कोयला, स्टील, ऑटोमोबाइल सब शामिल हैं। और यही जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ट्रेड और होटल है, ये सबसे ज़्यादा जो मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल लेबर का इस्तेमाल करते हैं, ये वही हैं। और जब इनमें इस तरह की सुस्ती और मंदी आएगी तो हमारा गरीब आदमी जाएगा कहाँ? अर्थव्यवस्था हो गई है चौपट, गरीबी की चहुं और है मार, आंखें मूंद कर सो रही है ये बेरहम मोदी सरकार। क्या कहेंगे आप यश भारती, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर अंग्रेजों ने राज किया था तो वो एक कंपनी के रूप में आए थे, और ये सरकार जो चल रही है ये भी कॉरपोरेट घरानों के दम पे चल रही है। इन्होंने आम जनता या गरीबों के लिए या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए कभी सोचने का काम किया ही नहीं। उसका साक्षात उदाहरण है जिस तरीके से नोटबंदी लागू की गई, जिस तरीके से GST लागू की गई बिना तैयारी के। GST में 700 दिन में 700 अमेंडमेंट्स किए करने पड़े, उसी तरीके से नोटबंदी में जो 60 दिन मांगे गए थे लगभग उन 60 दिनों में ही 60 अमेंडमेंट्स उनको करने पड़े अलग अलग तरीके के। रोज नई नई घोषणाएं होती, नई नई व्यवस्था बनाई गई। तो ये जो सरकार रही है, जिस उसका 5 साल का पिछला कार्यकाल रहा है, यहाँ तक कि GDP की गणना करने के जो तरीके थे वो तक इन्होंने बदलने का काम किया, लेकिन परिणाम कहीं से कहीं तक नहीं आए। अगर पुरानी गणना में चले जाते हैं तो लगभग जो जिस GDP पे हम 5% की बात कर रहे हैं वो GDP लगभग 3% से भी नीचे की बात आ जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और लगातार जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं कि हम GDP की गणना, आम आदमी को GDP का ना कैलकुलेशन से कोई लेना देना होता है, ना उसको समझ होती है। आम आदमी को दिख रहा है सामने कि व्यापार चौपट है, वो सामने स्थिति है, रोजगार की स्थिति किस तरीके से चौपट है वो सामने दिख रही है। और कल जो ये मर्जर हुआ है की घोषणा हुई है बैंकों की, ये आदमी, आम आदमी पहले ही देख चुका है। जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज ने मर्जर किया तो वो क्या घाटे से निकल पाई बाहर या और घाटे में जाते हुए खत्म होने की स्थिति में है। ये बैंक का भी रूप वही है कि नए रोजगारों का जो सृजन होता था अलग अलग तरीके से, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बैंक PO के दे करके अपने आप को स्थापित करते थे, ये बैंक जिस तरीके से लिमिटेड हो जाएंगे और कम बैंकों में कम नौकरियां होंगी, स्वाभाविक बात है। लोग रिटायर्ड होंगे लेकिन नई भर्तियां नहीं होंगी, और आगे चल के प्राइवेटाइजेशन को, जिस तरीके से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी हो चुकी है, BSNL को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, ये आगे हर चीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। जिनकी सामाजिक जिम्मेदारी सरकार और सत्ता में रहते होने चाहिए उससे ये दूर भागने का काम करें, सारी व्यवस्था दिख रही है और ये GDP उसका एक परिणाम मात्र है। चलिए राय सरोठिया जी, बहुत से लेख लिखे थे आपने नोटबंदी पर, फिर GST पर भी, बहुत सी आशंकाएं भी व्यक्त की थी आपने। अब ये जो GDP के आंकड़े आए हैं उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे जिस तरह से कोई भूकंप आता है तो एक ही भूकंप नहीं आता, उसके बाद कई दिनों तक उसके आफ्टर शॉक्स आते रहते, ट्रेमर्स आते रहते हैं। तो ये नोटबंदी की जो वहाँ भयानक भूल जो की थी उसके इफेक्ट तो तभी शुरू हो गए थे, लेकिन हमने देखने के लिए आंखें बंद कर रखी थी, देखते ही नहीं था और कहते थे आंखों में सपने देख के कि बहुत बढ़िया हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने आपाधापी में आदमी जी नोटबंदी के उससे उबर नहीं पाया और आपने GST ला के और फोर्सेबली उसको लागू किया। जैसे यश बोल रहे थे कि 600 से ज़्यादा उसमें संशोधन हुए GST में, 64 से ज़्यादा संशोधन जो है आपके नोटबंदी के बाद के उसके तौर तरीकों के लिख कर किए हैं, तो ये तो इफेक्ट आना था और वो इफेक्ट काफ़ी समय से दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही ये बात है, ये तो अभी ये जो तिमाही है, इस तिमाही को और इसके पहले वाली तिमाही को तो हमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा इसकी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आचार संहिता लगी थी, चुनाव चल रहे थे, बहुत सारे निर्माण कार्य जो है सरकार के जो होते हैं वो ठप हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो देश के बहुत बड़े हिस्से में सूखा था। भारत की इकोनॉमी की GDP में बहुत बड़ा योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है, तो एग्रीकल्चर बिल्कुल चौपट था। लेकिन आप इस बार देखेंगे, आप जुलाई अगस्त और सितंबर की बात की जो आएगी तिमाही, तो आप देखेंगे कि उसमें सुधार निश्चित रूप से दिखेगा। और ये जो घटत हुई है इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की उसको कैसे करें,
और उसका एक सबसे बड़ा तरीका है, इतने अच्छे सुधार वो कर रहे हैं। अभी मैंने दो दिन पहले ही एक आर्टिकल लिखा था कि पी चिदम्बरम साहब एक जो गलती कर गए थे, पहले क्या नियम था कि आप जो गाइडलाइन रेट थी उस पर आप खरीदिए और आप चेक से जितना देना है चेक से दीजिए और बाकी आप कैश दें, आप जितने में भी आपकी रजिस्ट्री हो रही है रियल रजिस्ट्री, जैसे सपोज करिए 40 लाख का कोई प्लॉट है, फ्लैट है, और वो 30 लाख उसकी गाइडलाइन है, 40 लाख गाइडलाइन है और 30 लाख में उसका सौदा हुआ है, तो वो 30 लाख रुपए ही अपने चेक देता था और बाकी जो पैसा जो है गाइडलाइन में शुल्क वही लगता था, सरकार को कोई घाटा नहीं था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैपिटल गेन खरीदने बेचने वाले से उसी हिसाब से बरतता था। लेकिन चिदम्बरम साहब एक पैच लगा गए कि 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं दिए जा सकते और सारा चेक से भुगतान करिए। अब बाज़ार में वो कीमत ही नहीं है उस चीज़ की, किसी चीज़ की, माने कलेक्टर गाइडलाइन जो है बढ़ा के कर दी राज्य सरकारों ने, क्योंकि केंद्र सरकार ने, तब वो भी यूपीए सरकार के समय हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि साहब आप अपनी गाइड ये हटाइए स्टाम्प ड्यूटी, तो स्टाम्प ड्यूटी घटाने का मध्य प्रदेश में राघव जी ने एक तरीका खोजा कि उनने गाइडलाइन बढ़वाना शुरू कर दी। बेहतर थी, बाज़ार से कोई मेल ही नहीं खाता है तो इसलिए बाज़ार बैठा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, आज देखिए जो नोटबंदी के बाद जो कहा था कि कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि साइबर खतरों से मत खेलिए, मत खिलवाड़ करिए, और आप देख रहे हैं कि नोटबंदी के बाद साइबर फ्रॉड, बैंकिंग से संबंधित साइबर फ्रॉड जो है वो 74% बढ़े हैं, 74%। और जहाँ तक आप कैशलेस की बात करते थे तो आप समझ लीजिए कि 24% ज़्यादा नकदी जो है बाजार में प्रचलन में है। लेकिन समस्या ये है कि आपकी रीति नीतियाँ ऐसी हैं कि हर जगह चीज़ों को आपने रोक दिया है, तो बाज़ार में जब लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी क्राइसिस है बेसिकली जिसके कारण ये जीडीपी पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा है लेकिन हम खर्च कैसे करें, उसको कर ही नहीं सकते, वो पैसा रोटेट होता रहता तो सबका घर चलता है। एक आदमी 100 रुपये, 200, 500 रुपये खर्च करता है बाज़ार में जाके, तो वो कहीं उसको करता है बाज़ार वाला, कहीं और खर्च करता है, तो ये पैसा के जो रोटेशन है ये प्रोसेस जो है रुकी है, और इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो निर्मला सीतारमण ने बैंक सुधार किए, तो पहले तो चिदम्बरम की भूल को उनको तुरंत प्रभाव से उसको वापस करना चाहिए, और धीरे से बाजार को उठाइए। बाजार कैसे उठता है, मैन्युफैक्चरिंग, चिदम्बरम की भूल को छठवें साल भी कहेंगे, पीछे वालों की भूल नहीं है इसमें, इसमें उन्होंने उसको लागू रखा। मैंने इसमें आर्टिकल में लिखा है कि अरुण जेटली के ध्यान में जब ये मामला लाया गया संज्ञान में, तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, गलत किया गया है, लेकिन अब अब हो गया तो सब चीजें जानते थे, क्योंकि जेटली जी जो है उन्होंने सबसे ज्यादा कबाड़ा तो दो कारपोरेट घरानों के जो वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली और चिदम्बरम, इनको वित्त मंत्री बना के जो भूल यूपीए ने की वही भूल मोदी जी ने की थी, और उसके नतीजे देश को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, चिंतामणि मालवीय हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चिंतामणि मालवीय, क्या देख रहे हैं आंकड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कैसे देख रहे हैं ये आंकड़े और चिंता होती है आपको? नहीं, चिंता का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि देश बहुत सक्षम हाथों में है, ईमानदार हाथों में है जी। और ये जो अर्थव्यवस्था है ये कभी एक स्थिर स्वभाव से नहीं चलती है, विचलन और ऊपर नीचे होना अर्थव्यवस्था का स्वभाव है, ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, लेकिन देश एक निश्चित दिशा में, प्रगति की दिशा में चल रहा है। जहाँ तक अभी हमारे मित्र जीएसटी की और नोटबंदी की, जी वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोटिया जी हैं, जी मैं उनको नमस्कार करता हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की प्रसन्नता और शाबाशी देना चाहिए सरकार को कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कि जिसमें जनता की मांग पर संशोधन हो सके जी। ताकि लोकतंत्र का नेचर है, लोकतंत्र का स्वभाव है, उसका सौंदर्य है कि अगर जनता से कोई मांग आती है, अपेक्षा आती है, तो सरकार उसको सुने। चिंतामणि जी मैं कुछ पूछ लूं आपसे, और क्या हो सकता है, कोई कुछ पूछ लूं आपसे। चिंतामणि जी, जनता ने मांग की थी कि नोटबंदी लगा दो, जनता ने मांग की थी जीएसटी लगा दो, जनता ने तो ऐसी कोई मांग ही नहीं थी की थी। मैं सिद्दीकी जी बहुत अधिकार से कहता हूँ, जब मैं सांसद था तो मेरे क्षेत्र में सारे प्रमुख लोगों को बुलाता था मैं, और बजट के पहले एक परिचर्चा कराता था जिसमें सीए होते थे, प्रोफेसर होते थे, मजदूर होते थे, किसान होते थे, और सब कहते थे कि व्यापारियों ने कहा कि साहब जीएसटी लगाओ, एक देश एक कानून होना चाहिए, और उसके बहुत सारे लाभ हैं, आप केवल संशोधन किए ये दुर्गुण नहीं हो सकता, ये दोष नहीं हो सकता। और कोई इतना देश में सुधार टोडरमल के बाद आया नहीं, केवल थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहे, इतने बड़े लॉन्ग पीरियड के बाद, इतने बड़े अंतराल के बाद कोई कर सुधार आता है तो थोड़ी सी अप एंड डाउन उसमें होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन
सरकार अवेयर है, सरकार संवेदनशील है, जो एक, जनता एक, से मांगा एक जिक्र और एक जिक्र और कर रहे थे चिंतामणि जी, एक जिक्र और कर रहे थे राजेश सिरोठिया, वो कह रहे थे कि जिस तरह से लेन देन में खासतौर से रजिस्ट्री कराने में जो सौदा भले 10,000 रुपए का हुआ है लेकिन अगर गाइडलाइन 15,000 रुपए है तो पूरा उतना नगद उसका नगद का लेन देन नहीं हो सकता था, पूरा चेक से लेन देन होता, जिसकी वजह से रियल इस्टेट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा ये चिदम्बरम के जमाने की एक गलती थी लेकिन पिछले 6 सालों में आपने आज तक नहीं सुधारी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जी सिरोठिया जी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी यदि कहीं है जी तो वो जमीन में है जी, वो मकानों में है जो वो रियल एस्टेट में है जी, वो एक एक व्यक्ति के कई कई जगह मकान है जी, और इस कारण मकान बहुत महंगे हुआ करते थे। जब से ये सरकार ने नोटबंदी लागू किया, इस तरह के सेंक्शन लगाए हैं कि कोई नगद नहीं दिया जा सकेगा, 2 लाख से ज्यादा आपको रजिस्ट्री में पूरा लिखवाना पड़ेगा, जो खेल इसमें होते थे वो रुके हैं। तो इसका जो लाभ है समाज को, इसका जो लाभ है देश को, वो हमें देखना चाहिए। दोष भी देखें, उनका काम है दोष देखने का, लेकिन जो अच्छी बात है उसके लिए प्रशंसा करें। मैं आपके पास सबसे ज्यादा काला धन जमीन आपके पास फिर आऊंगा आपके पास। राजेश सिरोठिया कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक बार पूछ लें। राजेश जी जल्दी पूछिएगा, वक्त कम है जी। जी मैं इस बात की एनोमली की तरफ ध्यान दिला रहा था कि बाजार की दर जो है पहले हुआ करती थी ज्यादा गाइडलाइन से, लेकिन अब गाइडलाइन से बाजार की दर कम है, इस चीज का आप बात मानिए। और आप जहां तक कैशलेस की बात कर रहे हैं, 24% कैश का ट्रांजेक्शन बढ़ा है नोटबंदी के बाद में। तीसरी चीज, आप जो काले धन की बात कर रहे थे, काला धन और गोरा धन कोई नहीं होता है, जो बाजार में रोटेट होता है, या तो आप इतनी इकोनॉमी से सर्व करिए कि आप पूरा पैसा वो करें, आप वैकल्पिक रोजगार दें, लेकिन अगर कोई जिसको आप काला धन कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स पेड होता है। आप किसी होटल में जाके 10,000 रुपये कैश दे दें तो क्या होटल वाला क्या उस पर आपका GST नहीं लेता, क्या उसका इनकम टैक्स नहीं होता? सबसे बड़ी समस्या देश की ब्लू मनी की है, वाइट और ब्लैक मनी की नहीं है। ब्लू मनी वो होता है जो आदमी हीरे जवाहरात तो सोने के रूप में अपने घर में डिपॉजिट करके रखता है, जो पूरा रोटेशन रोकता है। ये तो पूरा रोटेशन चलाता है भैया, इसको समझने की जरूरत है। देखिए देखिए जो प्रतिशत सिरोठिया जी ने बताया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि नोटबंदी के बाद और नगद नोट प्रचलन आ गए। आपका 16 लाख करोड़ रुपए लोग प्लास्टिक मनी से भुगतान कर रहे हैं, लेकिन बोले उठा रहा है कि 35% बढ़ गया, मुझे तो कहीं ऐसा दिखने में नहीं आया। ज्यादातर लोग 74% बढ़े प्लास्टिक मनी उपयोग कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोग भीम ऐप उपयोग कर रहे हैं, रिजर्व बैंक के उपयोग 74% फ्रॉड, साइबर फ्रॉड 74% बढ़े हैं मालवीय जी, 74% साइबर फ्रॉड नोटबंदी और इसके बाद में जो आपने मार मार के मुसलमान बनाया ना उसके कारण। हाँ मैं मानता हूँ, पर निश्चित रूप से धीरे धीरे सुधार होगा। अब सुधार मछली में काटे हैं इसलिए मछली खाना छोड़ दें, रिजर्व ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है 24% थोड़ा सा रुक जाए, चिंतामणि जी को अपनी बात कह लेंगे। चिंतामणि जी, मैं हमारे पास अर्थशास्त्री है राजेंद्र कोठारी जी, कोठारी साहब से एक बात समझ लेता हूँ। कोठारी साहब, आपने चिंतामणि जी को भी सुना, राजे सिरोठिया जी को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना, ये कि चिंतामणि जी जो बात कह रहे हैं जी, अगर GST से इतना लाभ था तो बीजेपी ने 2003 से विरोध क्यों किया मध्य प्रदेश में जी, और पूरे मध्य प्रदेश ने और नरेंद्र मोदी ने GST का विरोध किया 2003 से 2014 तक, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना, चिंतामणि मालवीय का थोड़ी नुकसान हुआ। राजेंद्र जी अगर मैं वर्तमान पे आ जाऊं, आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं जी, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं जी, जब 28% टैक्स लगाओगे जी और अपने खर्चे कम नहीं करोगे जी, और ब्लैक मनी काले मनी की बात कर रहे हो, तो फिर बीजेपी के पास 8,000 करोड़ कहां से आए काले धन, और आप इसको क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे आज तो GDP पे बात कर लेना, कल BJP पे कर लेंगे। अरे GDP पे ही बात कर रहा हूँ मैं जी, जी। बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश की ऐसी तैसी की है जी, और जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब की है जी, उसका ध्यान कौन करेगा? अरे आज तो मैं देश की बात कर रहा हूँ, हम तो GST को 2003 से सपोर्ट कर रहे थे जी। देखिए जो मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब हुई है वो जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से हुई है, इसके पहले भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लेकिन आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं हुई, और इसके पहले कोठारी जी एक मिनट उनको कह लेने दीजिए, मैं आपसे फिर पूछूंगा। उससे भी मैं 2003 के पहले ले जाना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी
दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब शासन के चेक बाउंस हो जाया करते थे। तो जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है दोनों कांग्रेस के सरकार में खराब हुई है। जो ये जो भुगतान नहीं हो रहे हैं सारी सरकारी योजनाएं। चिंतामणि जी आप थोड़ा रुक जाइए, उनको भी कैलेंडर दिए जी। बोलिए राजेन जी। चिंतामणि मालवीय जी को कहिए कि कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार न करे जी। वो नीति आयोग ने क्यों कहा कि विदिशा देश का निकृष्ट जिला है जी। मुझे मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि आप लोग चर्चा कहीं और ले जा रहे हैं। आज मेरी चर्चा जीडीपी पर है। ये जो 5% जीडीपी का जो नया आंकड़ा आया है इसे आप कैसे देखते हैं, भविष्य में क्या देखते हैं? वो मेरा देखता हूं मैं कि चिंतामणि मालवीय जैसे अर्थशास्त्री होंगे कि ये 5% 4% आ जाएगा। नहीं एक मिनट, चिंतामणि जी अर्थशास्त्री नहीं है, वो बीजेपी के एक नेता है, बड़े नेता है, सांसद रहे हैं। राजन जी मैं एक अर्थशास्त्री की तरह मुझे एक अर्थशास्त्री की तरह हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जीडीपी क्यों इस तरह की हालत में है। 76,000 रुपए शिवराज सिंह के जमाने में जब देश की आय 1,20,000 थी, तो फिर अगर नोटबंदी से इतना लाभ हुआ था तो फिर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 करा दीजिए। चिंतामणि मालवीय जी देखिए हम बहुत नोटबंदी जैसे बड़े देख रहे हैं। मालवीय जी बीच बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, आप बीच में मत बोलिए। चलिए अजय शाह, चिंतामणि मालवीय ने कहा कि आपके समय 2003 के पहले जब आपकी सरकार थी तब आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी, अब फिर बिगड़ी है। तो याद दिलाइए इंटरनेशनल डिप्रेशन हुआ था, लेहमैन ब्रदर्स जैसे बड़े सबसे दुनिया के भारी भरकम बैंक जब डूब गए, यूएसए में कितने बड़े बैंक डूब गए, उसके बावजूद भी वो सरदार जो असरदार था उसने कुछ नहीं होने दिया। हमको यहाँ पेट का पानी तक भी नहीं हिला। शायद चिंतामणि मालवीय जी ये भूल रहे हैं। और जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि आज तो पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, साहब डंका बज रहा है या ये सोने की लंका जल रही है मालूम नहीं पड़ रहा है। 2013 में जब 3% रह गई थी जीडीपी तब तो वहां पर सरदार जी असरदार सरदार जी की सरकार थी ना जी, वो नीचे आई थी लेकिन इतनी त्राहिमाम त्राहिमाम तो कभी नहीं हुई थी। ऊपर आ जाएगी अभी देखना। आप 10% जी आपको मौका मिलेगा, आपके अपने समय मौका मिलेगा जी। यश कुछ कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है ये सत्ता में आने से पहले जिन बातों को कहती थी अगर उनको हम रिवर्ट कर दें, मोदी जी के मुख्यमंत्री काल की बातें सुन लें कि जीडीपी नीचे जा रही है, रुपया का गिर रहा है और सरकार कोई काम नहीं कर रही, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा वर्तमान में मोदी जी खुद से सवाल कर रहे हैं। जितने उनके ट्वीट्स हैं सितंबर 2012 का देख लीजिए, दिसंबर 2012 का देख लीजिए, एफडीआई का विरोध करते थे कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का शामिल होना ठीक नहीं है। आज 100% एफडीआई लेकर के आ रहे हैं, आज कोल माइनिंग्स में 100% एफडीआई लेकर के आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई लेकर के आ रहे हैं। तो जिन चीजों का ये विरोध करते थे चाहे वो जीएसटी हो या कोई भी चीजें हो, आज वो सारी चीजें कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये जनता को बताने की तकलीफ भी नहीं उठाते। इनके जो मैनिफेस्टो में जो चीजें थी कि हम एफडीआई नहीं लेकर के आएंगे, एफडीआई भी लेकर के आए, चाहे खुला व्यापार में हो छोटे व्यापार में हो, हर जगह इन्होंने एफडीआई को ले आया। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हम पहले क्या लगता है हम पहले अंग्रेजों से अंग्रेजों की कंपनियों से क्या लगता है यश, आपको क्या लगता है गिराने से गिरे हर चीज इनके चहेते कॉर्पोरेटों के पास में है। यश आपको क्या लगता है इससे नुकसान हो रहा है? नहीं बिल्कुल जाहिर तौर पे नुकसान हो रहा है। आपकी कोई प्लानिंग नहीं है ना कुछ, आप केवल विरोध करके सत्ता में आ गए, जनता को आपने गुमराह किया, आप वापस वही चीजें ला रहे हैं लेकिन प्लानिंग आपकी कुछ नहीं है। बैंक मर्जर्स कर रहे हैं आपकी क्या प्लानिंग है, आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी क्या प्लानिंग है, रेलवे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, किसी क्षेत्र में कोई आपकी प्लानिंग नहीं है। आपकी प्लानिंग क्या है? रात 8 बजे आप नोटबंदी कर देते। अरे रुक जाइए यश, चिंतामणि मालवीय आपकी क्या प्लानिंग है? बात नियत की है जी, हम एफडीआई तकनीक में ला रहे हैं जी, ये एफडीआई खाद्यान्न में ला रहे थे, ये एफडीआई जो रोजमर्रा की चीजें उनमें ला रहे हैं, ये उपभोक्ता वस्तुओं में ला रहे थे। हम जो एफडीआई आ रही है वो तकनीक में आ रही है, वो सामरिक जो हथियार बनते हैं उसमें एफडीआई हम ला रहे हैं, वो हम जो बड़े उद्योग हैं उसमें एफडीआई ला रहे हैं, तो दोनों में ही नियत का अंतर है। दूसरी बात नोट, अब आप तो 100% एफडीआई ला रहे हैं, अब आप तो 100% एफडीआई ला रहे हैं जी। मध्य प्रदेश के बाहर निकल के देखेंगे तो आप देखिए कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ के लोग नोटबंदी से कितने सुखी हुए, वहाँ कितनी बड़ी मात्रा में नकली नोट चलते थे, कितनी बड़ी मात्रा में जो नक्सलवाद
बस नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया उसके बाद। पूरा नोट आ गया मालवीय जी, पूरा नोट आ गया, जितना नोट था बाजार में पूरा नोट आ गया, जमा हो गया खातों में। चलिए मैं आपको रोकूंगा। राजन कोठारी जल्दी से अपनी बात कहिएगा। राजन कोठारी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए राजेश रेड्डी आप कुछ कहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। आपको उम्मीद है बाजार के हालात सुधरेंगे, लेकिन जो ये नीति है इस पर आपने भी बहुत से सवाल खड़े किए हैं। नहीं देखिए, अब वो जो गलती हो गई हो गई, अब छाती पीटने से कोई मतलब नहीं है उसका। हम तो आगे लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि केवल समस्याओं को डिस्कशन करना उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप समाधान की तरफ ले जाते हैं उस समस्याओं को, तब उसकी चर्चा करिए। और मैं सीधी बात यही कर रहा हूँ कि मैं समाधान की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि देश को समाधान की ज़रूरत है। और देश के साथ में सबसे बड़ा जो कारोबारी जगत है उसमें एक भरोसे जगाने की ज़रूरत है। आप जो है अभी सबसे बड़ा जो चीन और इंडिया का जो ट्रेड वार, चीन और यूएस का जो ट्रेड वार चल रहा है, आप क्यों कोशिश नहीं करते हैं कि मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए आप वो चीन से हटने वाली सारी अमेरिकन कंपनियां हैं उनको आप भारत में ले आइए, जो अमेरिका से हटने वाली उनको आप भारत ले आइए। नहीं तो आपने अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे भी इस समय, तो आप कोई वो दिन दूर नहीं है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऐसे देश, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देश जो है इन कंपनियों को वो कर देंगे। तो इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। दूसरा, जो कलेक्टर गाइडलाइन में जो पूरा कैश देने बिल्कुल आप कह चुके हैं, इसको आप उसको भी बंद करना चाहिए। इसको आप समाधान की बात कर रहा हूं मैं आपसे जी। मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ इसमें कमी की भी है। नहीं, लेकिन कमी करने से नहीं है। मैं कह रहा कि चेक से पेमेंट का जो वो है उसको आपको बाजार दर, अगर आपको लगता है कि कलेक्टर गाइडलाइन बाजार दर से कम है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन जब आपको खुद को पता है कि बाजार दर से अधिक है तो आपको वो मान्य करना चाहिए जो जैक से दिया गया पैसा। आज लोग अपना राय जी, मैं रोकूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, मकान प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे। राय जी मेरे पास वक्त नहीं है। अजय शाह आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? भाजपा कहती थी कि स्विस बैंक से काला धन लाएंगे रातों रात, यहां असफल हो गए तो आरबीआई के रिजर्व फंड पे भी डाल दिया हाथ। अब इससे ज्यादा और तकलीफदायक चिंतामणि जी, और क्या लगा कि आप इस पर कोई बात कर रहे थे। चलिए अजय शाह आप हमारे साथ जुड़े, यश भारती आप हमारे साथ जुड़े, राजेश सरोठिया आप हमारे साथ जुड़े, चिंतामणि मालवी आप हमारे साथ जुड़े और राजेंद्र कोठारी आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि जीडीपी एक ऐसा संकेत लेकर आई है जिससे सबकी पेशानी पर बल है, उम्मीद यह है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, सुधरेगा, लेकिन ये जो हालात हैं इसके लिए सरकार की नीतियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जल्दी हालात सुधरें, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में आर्थिक मंदी है, पीछे आर्थिक मंदी का भारत पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार असर तो दिख रहा है। अब देखते हैं आगे होता है क्या। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।